तो कोडरमा सहित पूरे झारखंड में आसमान आग उगल रहा है। लगातार जिले का तापमान बढ़ते ही जा रहा है। इस तपती गर्मी में लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहीं इस भीषण गर्मी में कई क्षेत्रों में पानी को लेकर लोगों में हाहाकार मची है। सरकार घर घर नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का दावा तो जरूर करती है, लेकिन इन दावों की पोल डोमचांच प्रखंड के नावाडी पंचायत रूपनडीह के लोग खोल कर रख दिए हैं। यहाँ के लोग इस गर्मी में पानी को लेकर काफी परेशान हैं। अभी हम कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर स्थित नावाडी पंचायत के ये वार्ड नंबर 2 का स्थिति है, और आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहते हैं। यही वह चापाखल है जहां से लगभग 400 परिवारों का जो है पानी की जो उपलब्धता है यहीं से मिल पाती है, क्योंकि यही एक चापाकल है जिससे यहाँ के जो लोग है 3 से 4 टोला के लोग एक ही चापाकल के भरोसे यहाँ पे ये पानी की जो है समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ सरकार लाख दावा कर रही है कि हम लोग घर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने की सरकार लाख दावे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दावों की पोल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नावाडी की तस्वीर है, और ये जो तस्वीर है जिससे आप साफ देखा जा सकता है कि पानी की इतनी समस्या है जिसके कारण यहाँ के लोग सुबह से लेकर शाम तक पानी को लेकर जद्दोजहद करते हैं, और इन्हीं पानी के जरिए इसके बाद पूरी घर की जो जितनी भी पानी पीने के से लेकर जितने घर में पूर्ति कर पाते हैं, यहाँ सुबह से लोग आते हैं और लाइन में लगाकर कतारबद्ध पानी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो टोला में है ये पाइप लाइन जो है वो बिछाया गया है, लेकिन आज तक जो पानी की समस्या है ये नल में आज तक पानी नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार और विभाग लाख दावे कर ले कि हम लोग घर घर नल जल के माध्यम से पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और विभाग पानी लोगों तक घर घर पहुंचाने में विफल साबित हो रही है, जिसका एक यह तस्वीर नावाडी पंचायत का, जिसमें एक ही चापाकल के भरोसे लगभग 400 परिवार जद्दोजहद करके जो है पानी की समस्या से जूझ रही है। इन लोगों को पानी की इतनी समस्या है कि सुबह से शाम तक सिर्फ पानी ही पानी को लेकर लोग साइकिलों से माथे पे डब्बे और बर्तन लेकर आते हैं और यहाँ पानी लाइन में लगा कर लेते हैं, जिसके बाद घर ले जाकर इस पानी को पीते हैं और जरूरी उपयोग में लाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टोला की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, और यहाँ के लोग आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्या, किस प्रकार से पानी को लेकर इन लोगों की समस्या है। और पानी की दिक्कत बहुत है सर, पानी की दिक्कत है कि हम लोग के पानी हिंगा से उतना दूर से आते हैं पानी लेने, तो पानी जाते हैं अगर 2 डिब्बा 4 डिब्बा, और जन बन रहा था 15-20 को सांस सुबह पड़ता है, 18 को जन, और उतना जन में पानी लगता है 4 डिब्बा 5 डिब्बा, तो कैसे होगा उतना पानी से, इतना पानी से बहुत। अब वो जो पंप बिछाया है तो वहां पानी देता है और इधर में पानी नहीं आता है। यहाँ हम लोग का बहुत 2 नंबर 3 नंबर में हरिजन टोला में और साजी टोला में दोनों का बहुत पानी का दिक्कत है। एक चापाकल है 400 हंडिया है, अब उसमें कतार लगे हुए लोग आके देख सकते हैं यहाँ पर की कतार लगे हुए रहते हैं, एक डब्बा भरने में आधा घंटा पानी का दिक्कत है। एक चापाकल चलता है 400 हंडिया का टोटल रूपनडीह और नावाडी का कैप्चर करता है हरिजन टोला और सावजी टोला का। तो इस लेकर के हम लोग बहुत विनती किए विधायक और इसी जगह, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सब चीज का दिक्कत है, वो हमरा पानी ना मिले, नहा ले धोवे ले पिए ले, इतना दूर से ले जो एक डब्बा, और देखो ये कुछ ना यार कुछ कर बो, कुछ है ये ना है डेली इसी तरह आते हैं। हाँ, ये डेली है तरी है तरी इसी तरह। हाँ, इसी तरह कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं काफी सालों से जो यहाँ की पानी की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं। नावाडी का जो रूपनडीह गांव है यहाँ सिर्फ एक ही चापाकल के जरिए लगभग 3 से 4 टोला के लोग, 400 की आबादी जो लगभग यही चापाकल के भरोसे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो लोगों ने भी बताया कि कई सालों से यहाँ की जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या पानी की है, लेकिन
इस जो टोला में है कहीं कहीं नल जल की जो पाइपें है बिछाई गई है, लेकिन उनसे आज तक एक बूंद पानी नहीं मिल पाई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर चलने के बाद आखिरकार जिला प्रशासन हरकत में आती है और इन लोगों की क्या परेशानियों का समाधान कर पाती है या नहीं। राजकुमार यादव, रफ्तार मीडिया, कोडरमा।